यू मे बिगिन नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सड़क पर वाहनों की चेकिंग के दौरान अगर कोई महिला कांस्टेबल मौजूद नहीं है तो महिलाओं को बच निकलने में आसानी होती है। ड्यूटी पर तैनात मेल पुलिस वाले आमतौर पर महिलाओं के दुपहिया वाहन रोकने की जहमत नहीं उठाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि महिलाओं के वाहन के कागजात की जाँच के लिए अब महिला पुलिस कांस्टेबलों की तैनाती की जा रही है। तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर जिले की हैं। देखिए कैसे ये मैडम पुलिस को देखकर ही आंसू बहाने लगी। इनकी गलती ये है कि इन्होंने हेलमेट नहीं पहना था और स्कूटी पर फर्राटा भर रही थी। एसपी साहब के निर्देश अनुसार हमें यहाँ पे लगा गया है, जो मिला हैंडवेंट के और बिना कागज के मिलती है उसको हमारे लिए चालान के लिए पावर पूरी दी गई है, जिससे हमें कोई और हमारे पास में कई दबाव आ रहे हैं। महिलाओं की हमें खड़े खड़े दबाव देने के लिए वो कर रही है कि तुम्हें खड़े खड़े ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं आपके, और कई नेताओं के फ़ोन कराते हैं, कहीं किसी का फ़ोन कराते हैं, पर हमने किसी का नहीं माना है। हम अपनी उसी के हिसाब से ट्रैफिक की कानूनी व्यवस्था बनाए रखते हुए सबका चालान किया है। तो नेताओं के वो महिलाएं जो नेताओं के फ़ोन करवा रही हैं वो ट्रांसफ़र की धमकी दे रही हैं आपको? हाँ, मेरे को ट्रांसफ़र दो महिलाओं ने कल ट्रांसफ़र के लिए धमकी दी थी कि तुम्हारा खड़े खड़े मैं अभी ट्रांसफ़र करा देती हूँ। मैंने कह दिया आप करा सकते हो, आप तुम्हारे पास में पावर है। वहीं सड़क पर कई महिलाएं ऐसी भी नजर आईं जिन्हें वर्दी का जरा भी डर नहीं दिखा। वो तो कानून को मजाक समझकर ट्रैफिक नियमों का मखौल उड़ाने पर आमादा हो गईं। महिला पुलिस कांस्टेबल ने जब इस महिला को रोका तो ये किसी रसूखदार के पास फोन पर ट्रांसफर करवाने की ही धमकी देने लगी। जो दुपहिया वाहन चला रही है, तो जो बिना हेलमेट के चला रही है उनको पकड़ रहे हैं, और कई महिलाएं जो उनके जानकार हैं, बड़े लोग हैं, उनसे फ़ोन वगैरह करवा रही, नेता वगैरह से, पर हम किसी की मान नहीं रहे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा ही हेलमेट पहनकर चलने की सलाह दे रहे हैं। धौलपुर के पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर 14 से 25 अक्टूबर तक सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसे प्रभावी तौर पर लागू करने के मकसद से ही महिला कांस्टेबलों की भी ड्यूटी लगाई गई है, ताकि यातायात नियमों को तोड़ने वाला कोई भी शख्स बचने ना पाए, फिर चाहे वो कोई महिला ही क्यों ना हो। पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक सड़क सुरक्षा अभियान दिनांक 14 से लेकर 25 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। इसको और प्रभावी करने के लिए तथा ऐसी महिलाएं या स्त्रियां जिनके खिलाफ में जो है कार्रवाई हमें करनी है एमवी एक्ट में, और जो कि दोपहिया वाहन पर चलते हैं बगैर हेलमेट या अन्य जो है एमवी एक्ट का वायलेशन करते हैं, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पुलिस जाब्ता, महिला पुलिस जाब्ता जो है हमारे द्वारा तैनात किया गया था। धौलपुर पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 200 से भी ज्यादा ऐसे लोगों का चालान काटा जो या तो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे या फिर जिनके वाहनों के कागजात पूरे नहीं थे। फिलहाल अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। धौलपुर से राजस्थान तक के लिए उमेश मिश्रा की रिपोर्ट।